हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने शेप पढ़ी थी ऑर्बिटल्स की, और लास्ट के वीडियो लेक्चर में हम एस ऑर्बिटल की शेप पढ़ के आए हैं। अब है पी ऑर्बिटल की शेप। जो पी ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप कैसे होगी आप एक बार देखोगे। एक बार तो मैं बता रहा हूँ इसमें प्रोबेबिलिटी के बेस पे, ऑन दी बेस जो प्रोबेबिलिटी डायग्राम, जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं आप देखोगे कि पी ऑर्बिटल्स की जो शेप है वो डंबल शेप है। पी ऑर्बिटल की शेप है डंबल शेप, और इस पी ऑर्बिटल्स में दो लोब होंगे, टू लोब्स। इन दोनों लोब्स में इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये पी ऑर्बिटल्स के ना दो लोब हैं, और इन दोनों लोब्स में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो आपकी इसकी शेप कैसी दिख रही है कि शेप इसकी डंबल शेप है, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज डंबल शेप। अब देखो हम क्वांटम नंबर जैसे हमने पढ़े हैं कि क्वांटम नंबर के बेस पे बताएं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एल की वैल्यू अगर है, एल की वैल्यू वन है, तो जो एम है नंबर ऑफ ओरिएंटेशन वो कितनी होगी, तीन होगा। कहाँ से कहाँ, माइनस वन से प्लस वन तक, माइनस वन जीरो और प्लस वन। इसका मतलब इसमें तीन ऑर्बिटल्स हैं, तो पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, तीन। जैसे मैंने कहा कि पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। अब आप देखोगे कि पी एक्स, पी वाई और पी जेड पी ऑर्बिटल के एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड लाइक करेगा। जैसे मैं अगर कह रहा हूँ कि सपोज दिस इज पी एक्स ऑर्बिटल्स, ये एक पी एक्स ऑर्बिटल है, पी वाई ऑर्बिटल है, जैसे सपोज ये पी वाई ऑर्बिटल हो गया, और जेड एक्सिस पे अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड लाई करता है तो सपोज ये आपका पी जेड ऑर्बिटल हो गया। तो एक्स एक्सिस पे अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड लाई करते हैं ये पी एक्स ऑर्बिटल है, वाई एक्सिस पे लाई करते हैं तो पी वाई ऑर्बिटल है, जेड एक्सिस पे लाई करते हैं तो पी जेड ऑर्बिटल्स हैं। तो आप देखोगे कि जो p ऑर्बिटल्स है उसकी शेप कैसी है बेटा, डंबल शेप। ये तो तीन एक्सिस हैं या थ्री कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, जिसपे इलेक्ट्रॉन क्लाउड लाई करता है। अब जो ये p सबसेल हैं जिसकी शेप मैंने आपको डंबल शेप बताई है, कैसी शेप है, डंबल शेप। अब देखो कि जैसे लास्ट के s ऑर्बिटल में हमने पढ़ा था कि नोड होते हैं दो तरह के भाई। जैसे s ऑर्बिटल में तो आपको नोड बताया था स्फेरिकल नोड। अब नोड दो तरह के हैं, स्फेरिकल नोड एंड प्लेनर नोड। अब प्लेनर नोड क्या होगा कि एक ऐसा प्लेन पास होता है न्यूक्लियस से जहां इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होंगी, जीरो होंगी। जैसे मैं अगर कह रहा हूं कि ये पी ऑर्बिटल है कोई, और इसमें एक रीजन है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, सपोज मैंने ये रीजन कहा स्फेरिकल फॉर्म में, ये इस पोर्शन को मैं नोड बोल रहा हूं और बाकी पोर्शन में इलेक्ट्रॉन लाई कर रहे हैं, तो जो आपको ये रीजन दिखाई दे रहा है, आपको दिस रीजन, दिस इज नोड, और नोड कैसा है, ये स्फेरिकल नोड है, दिस इज आल्सो स्फेरिकल नोड। अब जो पी ऑर्बिटल हैं, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल या एफ ऑर्बिटल, इनमें प्लेनर नोड भी होते हैं जिसको एंगुलर नोड भी बोला जा सकता है। एंड वट इज प्लेनर नोड, मतलब कोई एक ऐसा प्लेन पास होगा न्यूक्लियस से, एक कोई ऐसा प्लेन पास होगा न्यूक्लियस से, दिस प्लेन, जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो इसमें भी हम दिखा सकते हैं कि जैसे ए पी ऑर्बिटल है कि ऐसा कोई प्लेनर नोड इसमें है कि ऐसा कोई प्लेन पास होता है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक प्लेन पास होता है थ्रू द न्यूक्लियस जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फाइंडिंग की, जीरो होगी। अब देखो प्लेनर नोड कितने होंगे, स्फेरिकल नोड तो जैसे हम पढ़ के आए हैं कि स्फेरिकल नोड कैसे निकालें, स्फेरिकल नोड अगर किसी में निकालने हैं तो इसका फार्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन, और जो प्लेनर नोड होंगे वो कितने होंगे, डैट इज इक्वल टू l, l की जो वैल्यू होगी ना उतने ही प्लेनर नोड है। जैसे अगर मैं कहूँ 2p में जो नोड है स्फेरिकल नोड और प्लेनर नोड वो कितने होंगे, अब स्फेरिकल नोड 2p में देखना, ये फार्मूला n माइनस एल माइनस वन, एन की वैल्यू है 2 और l की वैल्यू p ऑर्बिटल के लिए कितनी होगी, 1,
माइनस वन कितने हो गए जीरो। तो 2p में कोई स्फेरिकल नोड नहीं होगा। प्लेनर नोड कितने होंगे देखोगे आप, प्लेनर नोड कैसे निकालते हैं, l से निकालते हैं। अब l की वैल्यू p के लिए कितनी होगी, 1 होगी। l की वैल्यू p ऑर्बिटल के लिए कितनी होती है, 1 होती है। तो प्लेनर नोड कितने होंगे 2p में, 1 प्लेनर नोड। नोड तो वो पोर्शन है जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग की क्या होंगी, जीरो होंगी। तो स्फेरिकल और प्लेनर नोड आप ऐसे निकाल सकते हो। जो डी ऑर्बिटल हैं, डी ऑर्बिटल की शेप कैसे होगी देखो, मैं कह रहा हूं कि जब एल की वैल्यू 2 हो तो एम की 5 वैल्यू होती है, माइनस 2, माइनस 1, 0, प्लस 1 एंड प्लस 2। क्वांटम नंबर में सीख क्या है, क्योंकि डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल हैं आपके पास, देर आर 5 ऑर्बिटल्स इन डी सबसेल। जैसे मैंने कहा कि डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये 5 तरह के ऑर्बिटल हैं। शेप देखेंगे हम कैसी होगी, शेप किसकी, डी ऑर्बिटल्स की। अब डी ऑर्बिटल की जो शेप है ना, डबल डंबल शेप है, डबल डंबल शेप। जैसे पी ऑर्बिटल की डबल डंबल शेप थी, तो इसकी डबल डंबल शेप है। तो ये आपके पास जो 5 तरह के ऑर्बिटल्स हैं, देखो एक बार शेप कैसी होगी। जैसे ये आपके पास डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स हैं, जैसे कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो शेप कैसी, मैं बता रहा हूँ कि इसमें डबल डंबल शेप है। जैसे दिखाया जा रहा है कि सपोज ये एक डंबल है, ये एक डंबल की तरह शेप मैंने दिखा दी, तो इसमें कैसे दिखाए जा रहे हैं, डबल डंबल शेप दिखाए जा रहे हैं। डी एक्स वाई ऑर्बिटल, फिर है जैसे डी एक्स जेड ऑर्बिटल, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में लोब लाई करेंगे डी ऑर्बिटल के। डी एक्स जेड का मतलब है कि एक्स और जेड एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड लाई करता है, एक्स और जेड एक्सिस के बीच में डी ऑर्बिटल के जो ये लोब है ये लाई करेंगे। तीसरा है जैसे डी वाई जेड, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, वाई और जेड एक्सिस के इन बिटवीन लाई करेंगे डी ऑर्बिटल्स के लोब। फिर है जैसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जैसे कि एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है। अब आप देखोगे कि एक्स और वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड लाई करेगा, ये जैसे एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये वाई एक्सिस पे है, तो ये डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर। और पांचवा इसमें है डी जेड स्क्वायर। जेड एक्सिस पे आप देखोगे कि जैसे कि ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लोब लाई करते हैं, और इसमें आप देखोगे कि एक रिंग भी लाई करेगी एक्स वाई प्लेन में, ये एक रिंग है, यहां पे जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड लाई करता है, और ये एक रिंग दिखा रखी है, दिस इज ए रिंग। 1/3 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसमें भी लाई करती है। ये रिंग तो होती है एक्स वाई प्लेन में, और जो ये लोब दिखा रखा है ये लोब होगा जेड एक्सिस पे। तो ये 5 तरह के ऑर्बिटल हैं। शेप कैसी होगी, शेप मैंने आपको बताया है डबल डंबल शेप है। तो नोड इसमें भी बनेंगे, और नोड वो पोर्शन होता है जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की क्या होगी, जीरो होगी। उस पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं, दैट पोर्शन इज नोन एज नोड। जैसे मैंने आपको नोड बताया है, देर आर टू टाइप्स ऑफ नोड, स्फेरिकल नोड एंड प्लेनर नोड। दो तरह के नोड है। स्फेरिकल नोड निकालने का फॉर्मूला आपको बताया है, एन माइनस एल माइनस वन। और प्लेनर नोड कैसे निकालेंगे, जो एल की वैल्यू होगी ना वही प्लेनर नोड होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि 4D में प्लेनर नोड निकालो और स्फेरिकल नोड निकालो, प्लेनर और स्फेरिकल नोड निकालो 4D, तो n की वैल्यू यहां क्या है, 4 है। d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, माइनस 1 कितना हो गया, 1 आ गया इसमें, सॉरी स्फेरिकल नोड का फार्मूला ही, ये स्फेरिकल नोड का फार्मूला है और प्लेनर नोड का फार्मूला होता है जो l की वैल्यू होती है। तो 4 माइनस 2 माइनस 1 कितना स्फेरिकल नोड आया, 1, क्योंकि आपको पता है कि 3D में कोई स्फेरिकल नोड नहीं होता, 4D में एक स्फेरिकल नोड है, ऐसे ही 5D में 2 हो जाएंगे,
सिक्स डी में थ्री हो जाएंगे, आप यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हो भाई फाइव डी में कितने सफेरिकल नोड बनेंगे, प्लेनर नोड कितने बनेंगे। डी के लिए एल की वैल्यू दो होती है, तो मैं कहूँगा कि दो प्लेनर नोड बनेंगे। और अगर आपको टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने हैं, तो इसका फार्मूला है एन माइनस वन। जैसे आपको कोई ये कह दे कि सेवन पी में टोटल नोड निकालो, टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालो, तो हम कैसे निकाल लेंगे एन माइनस वन। एन की वैल्यू कितनी है सेवन, सेवन माइनस वन कितने आएंगे सिक्स। अब जो ये सिक्स नोड आए हैं इसमें से प्लेनर भी रहेंगे और सफेरिकल भी रहेंगे, प्लेनर भी रहेंगे और सफेरिकल भी। नोड अगर एक पार्टिकुलर प्लेन में है तो उसको प्लेनर नोड बोलेंगे, सफियर की फॉर्म में नोड है तो सफेरिकल बोलेंगे। प्लेनर नोड, प्लेनर नोड देखो पी के लिए एल की वैल्यू वन होती है तो प्लेनर नोड तो हो गए वन, और सफेरिकल नोड निकाले जाते हैं एन माइनस एल माइनस वन। तो सफेरिकल नोड निकालो इसमें कितने पड़ेंगे, एन की वैल्यू कितनी होगी इसमें, एन की वैल्यू है सेवन, पी के लिए एल की वैल्यू वन होती है माइनस वन, तो पांच नोड यहां से आ गए, पांच हो गए सफेरिकल, एक हो गया आपका प्लेनर, तो टोटल कितने नोड बने सिक्स। वही मैंने बताया है कि एन माइनस वन क्या है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स आप ऐसे कैलकुलेट करोगे किसी भी ऑर्बिटल्स में। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो एस ऑर्बिटल हैं, पी ऑर्बिटल हैं और डी ऑर्बिटल हैं, उनकी शेप कैसी होगी। एस ऑर्बिटल की सफेरिकल शेप होगी और जो इसमें नोड बनते हैं वो सफेरिकल नोड होते हैं। पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, डंबल शेप हैं। और पी ऑर्बिटल में दो तरह के नोड्स आपको बताए हैं, प्लेनर नोड एंड सफेरिकल नोड। और ऐसे ही आपको डी ऑर्बिटल बताए हैं, डी सबसेल में पांच तरह के ऑर्बिटल हैं, और जो ये पांच तरह के ऑर्बिटल हैं इसमें आपके दो तरह के नोड्स बताए हैं। शेप कैसी है डी ऑर्बिटल की, डंबल शेप है, और इसमें आपको दो तरह के नोड्स बताए हैं, कौन कौन से, प्लेनर नोड और सफेरिकल नोड। तो बेटा यह था हमारा आज का लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कल के लेक्चर में हम सीखेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम, या जो नेक्स्ट भी लेक्चर आपका वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम एनर्जी लेवल डायग्राम सीखेंगे हाइड्रोजन एटम का और मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम का। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम, और ये हाइड्रोजन एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो उसके लिए हम पढ़ेंगे। लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने शेप पढ़ी थी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। तो देखो ये तो एनर्जी लेवल डायग्राम हाइड्रोजन एटम के लिए, दिस इज दी एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। अब इस एनर्जी लेवल डायग्राम में आप देखो कि जो फर्स्ट सेल है आपका, फर्स्ट सेल में जो एस सब सेल है उसकी एनर्जी है, सेकंड सेल की एनर्जी पहले सेल से ज़्यादा है, और देखोगे कि 2s और 2p की एनर्जी भी इक्वल है, 2s और 2p की ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। थर्ड जो आपके पास सेल है, थर्ड सेल की जो एनर्जी है वो सेकंड सेल से ज़्यादा है, और थर्ड सेल में जो एस पी डी और एफ सब सेल हैं, सॉरी एस पी डी सब सेल जो हैं इनकी एनर्जी सेम दिखा रखी है। और ऐसे ही जैसे फोर्थ सेल है, फोर्थ सेल की एनर्जी ज़्यादा है थर्ड सेल से, और फोर्थ में जो एस पी डी और एफ हैं इन चारों की एनर्जी मैंने सेम दिखा रखी है। तो 4s की एनर्जी 4p के इक्वल है, 4d एंड 4f। ये तो एनर्जी लेवल डायग्राम दिखा रखा आपको हाइड्रोजन एटम के लिए। अब इसमें देखोगे आप एनर्जी जो है, एनर्जी सिर्फ डिपेंड करती है ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ सेल, और सेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल की एनर्जी सेकंड सेल से ज़्यादा है, सॉरी सेकंड सेल की एनर्जी फर्स्ट सेल से ज़्यादा दिखा रखी है, थर्ड की सेकंड से ज़्यादा है, और फोर्थ की थर्ड से ज़्यादा है। पहले की एनर्जी कम है, दूसरे की ज़्यादा है, तीसरे की ज़्यादा है, फोर्थ की और ज़्यादा है। बट जो किसी मेन सेल में जो अलग अलग सब सेल दिखा रखे हैं उनकी एनर्जी सेम है, 4s 4p 4d 4f की एनर्जी क्या है सारों की सेम है। ये तो है हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, मतलब जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें आप देखोगे कि एनर्जी लेवल डायग्राम एक बार देखो आप, ये फर्स्ट सेल में एस सब सेल है, फर्स्ट सेल में आपके पास एस सब सेल है, और इससे ज़्यादा एनर्जी दिखा रखी है मैंने सेकंड में, और सेकंड में आप देखोगे कि 2s और 2p सब सेल है,
तो 2s की एनर्जी 1s से ज़्यादा है, और आप देखोगे कि 2p की एनर्जी भी 2s से ज़्यादा दिखा रखी है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ 2p और 2s की एनर्जी क्या है, सेम है। यहाँ 2p की एनर्जी 2s से मैंने ज़्यादा दिखा रखी, देखो एनर्जी का लेवल 2p का मैंने 2s से ज़्यादा दिखा रखा है। ऐसे ही जो तीसरा सेल है, तीसरे सेल में सब सेल की एनर्जी 2p से ज़्यादा है और 3p की एनर्जी 3s से ज़्यादा दिखा रखी है। फिर उसके बाद देखो आप 4s की एनर्जी ज़्यादा है। अब देखो 3D जो है ना, 3D की एनर्जी 4s से भी ज़्यादा है। हमने N+L रूल में इसको स्टडी किया था कि N+L रूल के अकॉर्डिंग आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी, तो 3D की एनर्जी 4s से ज़्यादा दिखा रखी मैंने। फिर एनर्जी ज़्यादा है 4p की, और फिर आप देखोगे कि 5s की एनर्जी ज़्यादा है, 5s ऑर्बिटल, फिर 4d ऑर्बिटल है, और फिर आपके पास 5p ऑर्बिटल है। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है हाइड्रोजन एटम, सॉरी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का। मल्टी मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ जो एनर्जी है, एनर्जी दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। एनर्जी डिपेंड करती है N पे और L पे। N इज द प्रिंसिपल सेल एंड S इज द सब सेल, और N क्या है, कोई प्रिंसिपल सेल है। तो एनर्जी प्रिंसिपल सेल और सब सेल दोनों पे डिपेंड करती है, किस में, मल्टी इलेक्ट्रॉन सेटम के केस में, और हाइड्रोजन के केस में एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, प्रिंसिपल सेल पे डिपेंड करती है। इसका रीज़न देखेंगे हम, ऐसा क्यों है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सेटम में आप देखोगे कि जैसे थर्ड सेल है, थर्ड सेल में 3s और 3p की एनर्जी यहाँ अलग अलग है, यहाँ क्या है 3s 3p 3d की एनर्जी सेम है। यहाँ देखो फोर्थ सेल में जितने भी सब सेल हैं सब की एनर्जी सेम है, बट यहाँ आप देखोगे 4s की एनर्जी कम है, 4p की एनर्जी बढ़ गई, 4d की एनर्जी और ज़्यादा है। यानी कि एक ही सेल में जो अलग अलग सब सेल हैं उनकी एनर्जी अलग अलग है, इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम। इसका रीज़न देखेंगे कि हाइड्रोजन एटम के केस में सिर्फ एनर्जी सेल पे डिपेंड करती है, प्रिंसिपल सेल पे, और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में एनर्जी N और L दोनों पे डिपेंड करती है। देखेंगे इसका रीज़न देखेंगे। तो रीज़न क्या है एक बार आप देखोगे, फर्स्ट है हाइड्रोजन के केस में। अगर हाइड्रोजन का केस देखा जाए तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना है, 1 है। तो इसमें एक तो प्रोटॉन है, और न्यूक्लियस है जैसे फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब आप देखोगे कि इस इलेक्ट्रॉन का और इस प्रोटॉन का क्या है, इनके बीच में फोर्स कौन सा रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स है, देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, जो कि अपोजिट चार्ज है। अब इसमें कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाला कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें, तो हाइड्रोजन के केस में सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है, और इसीलिए इसमें एनर्जी डिपेंड करती है सिर्फ प्रिंसिपल सेल पे, सब सेल पे डिपेंड नहीं करती। मल्टी इलेक्ट्रॉन सेटम के केस में देखो, इसको देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मल्टी इलेक्ट्रॉन सेटम आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे सपोज मैंने एग्जाम्पल इसमें ले लिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। अब न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, 7 ही होंगे, जब 7 एटॉमिक नंबर है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी 7 होंगे। इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है 2-5। तो दूसरे सेल में आप देखोगे ये दूसरा सेल है, और दूसरे सेल में कौन कौन से होते हैं, 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स होते हैं। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पहले 1s में देखेंगे, 1s में इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 3। हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 एंड 2p3। फर्स्ट सेल के सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल का जो s सब सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अब आप देखोगे कि ये एनर्जी लेवल डायग्राम मैंने जैसे बताया था कि 2s की एनर्जी 1s से ज़्यादा है, और 2p की एनर्जी 2s से ज़्यादा मैंने दिखा रखी है। देखो यहाँ अब इसमें क्या है कि इसमें दो तरह के फोर्स हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस इसमें दो तरह के हैं, टू टाइप्स। कौन कौन से हैं दो टाइप, एक तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स किस किस के बीच में होंगे इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्टिव फोर्स
इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और प्रोटॉन्स के बीच में, प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। दूसरा इसमें रिपल्सिव फोर्स भी है, देयर आर आल्सो रिपल्सिव फोर्स। किस किस के बीच में? इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। आप देखोगे कि जो ये फर्स्ट सेल के सब सेल में दो इलेक्ट्रॉन है, इनको कौन रिपेल करेगा? सेकंड सेल के सब सेल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके इन दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बनाता हूँ ताकि आपको मैं समझा पाऊँ, एक बार देखना। सपोज मैं कह रहा हूँ कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन है और ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल के सब सेल में दो इलेक्ट्रॉन है। देखो न्यूक्लियस के बाहर ही पूरा सेल है, मैंने हाफ बनाया है। फिर दूसरा सेल है, दूसरे सेल के एस सब सेल और 2p सब सेल है। एस सब सेल में दो इलेक्ट्रॉन है, पी सब सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अब आप देखोगे कि ये दो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल पास हैं, तो ये दोनों अट्रैक्टेड होंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहेगा, सॉरी फोर्स कैसे रहेंगे? अट्रैक्टिव फोर्स। अब आप देखोगे कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, इनका जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस से कम हो गया एज कंपेयर टू दीज टू इलेक्ट्रॉन। जो 2s 2s में जो दो इलेक्ट्रॉन है, इनका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम हो गया। किसकी वजह से? एक तो ये न्यूक्लियस से दूर हो गए, पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये है कि ये जो 1s के दो इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों को क्या करेंगे? रिपेल नहीं करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? दीज टू इलेक्ट्रॉन इन दी 1s सब सेल विल रिपेल दीज टू इलेक्ट्रॉन ऑफ 2s सब सेल। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, इनका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम हो गया। कम किस लिए हुआ? क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन इनको रिपेल भी तो कर रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन एस सब सेल के। फिर उसके बाद देखोगे कि जो 2p के इलेक्ट्रॉन हैं, ये 3, इनका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम हो गया। किसकी वजह से? दो इलेक्ट्रॉन तो ये हैं और दो इलेक्ट्रॉन ये 4 इलेक्ट्रॉन मिलके इन 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और इन 3 इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस से और भी कम हो जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि जैसे आप देखोगे कि बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन है, इन 3 इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम हो गया। किसकी वजह से? ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इन 3 इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बचाते हैं, क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन इन तीनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो यहां एक आपको टॉपिक मैं बता रहा हूं, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी हम बोलते हैं। तो ये अंदर वाले 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं, बाहर वाले सेल के जो 2p इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन 2p इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और इन 2p के 3 इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस अट्रैक्शन कम हो जाएगा। किसकी वजह से? इन 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे? इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बचाएंगे। या हम ये कहेंगे एक सिंपल लैंग्वेज में, ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इन 3 इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेंगे। किससे शील्ड करेंगे? न्यूक्लियस से। यानी कि न्यूक्लियस की और इन 3 इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है, उसको कम किया जा रहा है इन 4 इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इन 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? शील्ड करेंगे, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बचाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि इनकी अट्रैक्शन इस न्यूक्लियस से कम है इन 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से, इन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से भी मैं कह सकता हूँ। तो ये है शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन हैं, इनका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम हो गया। और अगर अट्रैक्शन कम हो गया तो इनकी एनर्जी ज़्यादा है फिर, क्योंकि इनके अट्रैक्शन 2s के जो इलेक्ट्रॉन हैं, इनके अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इनकी एनर्जी कम है। तो आप देखोगे कि जो दूसरे सेल के दो सब सेल हैं आपके पास, s और p, इनकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से अलग अलग है। 2s के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, दीज आर ओनली शील्डेड बाय दीज टू इलेक्ट्रॉन। 2s में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे दिखा रखे हैं, इनको शील्ड किया जा रहा है सिर्फ इन दो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। और जो p इलेक्ट्रॉन है, p में 3 इलेक्ट्रॉन, इनको शील्ड किया जा रहा है 4 इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। तो जितना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, बाहर वाले सेल की इलेक्ट्रॉन्स के अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम होती रहेगी। तो मैं ये कहूँगा कि जो s सब सेल और p सब सेल है, इनका न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी अलग अलग है, तो इनकी एनर्जी अलग अलग है। ये तो दो इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं सब सेल में, इनका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन अलग है। पी सब सेल में जो 3 इलेक्ट्रॉन है, इनका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन अलग है, तो इसलिए इनकी एनर्जी भी अलग अलग होगी। किसकी वजह से? शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। बिकॉज दीज टू इलेक्ट्रॉन ऑफ दी एस सब सेल आर शील्डेड बाय दीज टू इलेक्ट्रॉन ऑफ 1s सब सेल एंड दी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 2p सब सेल आर शील्डेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन्स।
तो इन तीन इलेक्ट्रॉन्स के लिए शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, एस सबसेल के लिए दो जो दो इलेक्ट्रॉन है इनके लिए शील्डिंग इफेक्ट कम है। तो इसलिए शील्डिंग इफेक्ट आने अलग अलग होने की वजह से इन दूसरे सेल के जो है सब सेल है और पी सब सेल, इनकी एनर्जी भी अलग अलग है। 2p की एनर्जी 2s से ज़्यादा है, तो इसका मतलब s के लिए l की वैल्यू 0 होती है और p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। तो हम ये कहेंगे कि जैसे जैसे आप देखोगे कि किसी मेन सेल में जो सब सेल होंगे उनकी एनर्जी भी अलग अलग होगी शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। अब हाइड्रोजन के केस में मैंने बताया था, हाइड्रोजन के केस में एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को शील्ड करने वाला कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है। मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के केस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन्स को अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन शील्ड करते हैं, प्रिवेंट करते हैं न्यूक्लियर चार्ज से। तो इसलिए एक ही सेल में जो अलग अलग सब सेल होंगे उनकी एनर्जी अलग अलग होगी। तो ये रीज़न था जिसकी वजह से हाइड्रोजन एटम के केस में एनर्जी सिर्फ एन पे डिपेंड करती है और मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के केस में एनर्जी जो होगी वो एन और एल दोनों पे डिपेंड करेगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक बेटा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।